कुरुक्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करने की बात करने वाली कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि धारा 370 को खत्म करने की बात करने वालों के भी सपने पूरे नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने हरियाणा सैनिकों का भी जिक्र किया। हरियाणा में कांग्रेस में खींचतान व भाजपा सरकार द्वारा बिना खर्ची व पर्ची के दी गई नौकरियों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो। बात बताऊंगा, पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान यहां भ्रष्टाचार ही संस्कार बन गए थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा के नौजवानों को हुआ। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा सरकार ने खर्ची पर्ची के इस खेल को बंद कर दिया है। इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता से यहां करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। मैं यहां आने से पहले जम्मू कश्मीर में था, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है? ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? यानी कुछ साल पहले तक वहां हरियाणा के हमारे वीर सैनिकों पर जो पत्थर चलते थे, आतंकवादी बम बंदूक की गोलियां चलाते रहते थे, मेरे हरियाणा के वीर सपूत हर सप्ताह कहीं न कहीं से तिरंगे में लपेटकर उनका शरीर घर लौटता था, वो शहीद हो जाता था। कांग्रेस धारा 370 वापस लाने का समर्थन करके उस दौर को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस आतंक और अलगाव के उस कालखंड को वापस लौटाना चाहती है, वो कालखंड जिसके कारण हरियाणा की अनेक माताओं को अपनी संतानें गंवानी पड़ी। कांग्रेस हरियाणा की माताओं से उनकी संतानें छीनना चाहती है।